सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन केसी गेमिंग। और आज हम बात करने वाले हैं माइनक्राफ्ट के कुछ बिल्डिंग मॉड्स के बारे में। और ये बिल्डिंग मॉड्स जितने भी होंगे आपने टाइटल में पढ़े लिया होगा। मैं अभी रिकॉर्ड करने ही जा रही हूँ वाली वीडियो बस, और आप देखते रहना कि कौन कौन से बिल्डिंग मॉड्स अवेलेबल हैं माइनक्राफ्ट के लिए जो मैं भी यूज़ करता हूँ। और अगर आपको इन मॉड्स को इंस्टॉल करना सीखना है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो आप मेरे वीडियो इस वीडियो के नीचे, तो मैं आपको आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आप सीख सकते हो कि कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं वाले मॉड। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जो मैं वर्जन यूज़ कर रहा हूँ माइनक्राफ्ट का इन सब मॉड्स को चलाने के लिए, ऑब्वियसली पहली बात तो मैं अपना माइनक्राफ्ट पीसी में चला रहा हूँ जावा एडिशन, क्योंकि जो फ़ोन के लिए मॉड्स तो अवेलेबल होते हैं नहीं, तो इसलिए मैं पीसी में चला रहा हूँ अपना माइनक्राफ्ट। और जो भी आपको वर्जन मैं अभी खेल रहा हूँ इसमें वो है 1.12.2 वर्जन, क्योंकि सबसे ज़्यादा मॉड इसी वर्जन के लिए अवेलेबल हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और चलते हैं फर्स्ट मॉड की तरफ। जो फर्स्ट मॉड हमारे लिस्ट के अंदर आता है वो है मिस्टर क्रेफिश का फर्नीचर मॉड। अब मैं जो इस वीडियो के में रैंकिंग नहीं करने वाला मॉड्स की, बस मैं आपको लिस्ट बता दूंगी कौन कौन से मॉड बेस्ट हो सकते हैं बिल्डिंग करने के लिए, बस मतलब बिल्ड करने के लिए, अगर बिल्ड के शौकीन हो अगर आप या आपके पास एक सर्वर है तो। तो पहला मॉड जो हमारी लिस्ट के अंदर है वो है मिस्टर क्रेफिश का फर्नीचर मॉड। अब फर्नीचर मॉड का मैं आपको सीधे इन्वेंट्री में जाके दिखाता हूँ अपना एग्जांपल। और हाँ, एक इस वीडियो में ध्यान रखना कि मैं आपको दो हाउसेस बना के भी दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर उन मॉड को यूज़ करते हुए, और आप जान पाओगे कि उन मॉड से आप कैसी कैसी क्रिएशंस कर सकते हो। तो जो अपना पहला मॉड आता है वो मिस्टर क्रेफिश का फर्नीचर मॉड। अब इसमें मॉड में आपको बहुत सारे फर्नीचर देखने को मिल जाते हैं, और ऐसा नहीं कि फर्नीचर आपको देखने को मिलेगा तो सिर्फ नॉर्मल फर्नीचर देखने को मिलेगा, मतलब सिर्फ रगदोज फर्नीचर को, ऐसा नहीं होने वाला। आप इस मॉड से मतलब फर्नीचर को यूज़ भी कर पाओगे इस मॉड की मदद से। तो मैं थोड़े बहुत आपको एग्जांपल के लिए चीज़ें ले लेता हूँ। पहली बात तो जैसे मैं अभी ले लेता हूँ एक, जैसे स्टीरियो तो काम करेगा नहीं ऑब्वियसली, टीवी काम करता है इस मॉड का, फ़ैन भी काम करता है इस मॉड का, और बस फिलहाल तो इतनी चीज़ लेते हैं। और एक क्लॉक ले लेता हूँ आपको एग्जाम्पल के लिए बस। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे को कुछ बिल्ड करना है, जैसे मैं पहले प्लैंक ले लेता हूँ एक, तो जैसे मुझे कुछ बिल्ड करना है और मुझे पंखा लगाना है अपने घर के ऊपर, मैं पहले सुबह कर लेता हूँ यहाँ का टाइम, रुक जाओ। हाँ तो अब हो चुकी है सुबह। अब जैसे मुझे कुछ बिल्ड करना है, सबसे पहले मैं अपनी रूफ़ बना लेता हूँ यहाँ पर, मतलब फटाफट से रूफ़ बना लेते हैं यहाँ पर। रूफ़ क्या बनानी है, एक डंडे की बनाना है बस। जैसे देख सकते हो, मान लो ये मेरी रूफ़ है मेरे घर की, अब मुझे पंखा लगाना है यहाँ पर, तो पंखा मैंने यहाँ लगा लिया। अब आप चाहो तो इसको हाथ से क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हो, जैसे आप जिस माउस या जो भी कंट्रोल से आप अपना गेट खोलते हो उससे आप क्लिक करके चला सकते हो पंखा। इसमें याद रखना साउंड इफेक्ट्स कोई नहीं है, बस जो आपको साउंड आ रही है ना वो जो पीछे ये चिड़िया वगैरह की, वो मैंने एक और मॉड इंस्टॉल कर रखा है, उसकी वीडियो चाहिए तो बताना कि जो मैं मॉड सारे के सारे यूज़ करता हूँ उसकी वीडियो अलग बना दूंगा। पर अभी फिलहाल तो हम फर्नीचर में फोकस कर रहे हैं। तो जैसे पंखा चलना, आप इसको हाथ से ही बंद कर सकते हो, पर अगर आपने बहुत सारी चीज़ें लगा रखी हैं तो इसी मॉड के अंदर आपको मिलेगा लाइटिंग टैब के अंदर इस मॉड की। जैसे आपने मॉड इंस्टॉल करा तो आपके यहाँ पर बहुत सारे टैब्स आ जाएंगे मिस्टर क्रेफिश फर्नीचर मॉड के अंदर भी बहुत सारे टैब। अगर सबको कैंसिल कर दूंगे तो कुछ नहीं आएगा, फिल्टर कर सकते हो। जैसे आपको अभी मान लो मेनली फोकस आपको टॉयलेट में करना है, टॉयलेट के मॉड सारे आ जाएंगे यहाँ पर, मतलब जो भी फर्नीचर होगा इस मॉड में। अगर आपको मेनली फोकस अभी बेडरूम में करना है तो बेडरूम के मॉड आ जाएंगे, पर अभी हमको फोकस करना है ये स्विच वगैरह पे ना। जैसे मैंने यहाँ पर, जैसे मान लो ये मेरे घर की कोई दीवार टाइप की और यहाँ पंखा है मेरा, मैंने पंखे में मैंने सबसे पहले हाथ में स्विच ले लिया। अब जो भी मेरे पास चीज़ होगी लाइट पंखा उसको मैंने क्लिक कर लिया सब चीज़ों को। अब मैंने इसको यहाँ प्लेस करा, अब मैं जैसे इसको ऑन करूँगा ना, जिस बटन से मैं अपना डोर ऑन करता हूँ, तो देख सकते हो अब ऑन हो जाएगा पंखा वाला। तो ये कुछ एडवांटेज हैं ये मॉड यूज़ करने की। इसमें टेबल भी है, चेयर भी है, ये कैबिनेट भी है, और कैबिनेट खुलता भी है ये, और कैबिनेट से आता है और टेबल से भी आता है कि अगर आप क्लॉक रखोगे तो जितना टाइम आपके वर्ल्ड में अभी हो रहा होगा, जैसे अभी सुबह के 9 बजने वाले हैं देखो, तो 9 ही बज रहे होंगे इस घड़ी के अंदर भी। और जो चेयर है ना आप इसमें बैठ भी सकते हो इस चेयर में, और जो ये कैबिनेट है आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, और इसमें साउंड इफेक्ट भी आएगा कि खुलने बंद होने का। जैसे मैं चीज़ें रख दी इसके अंदर, और रख भी सकता हूँ मैं अंदर इसके चीज़ें। तो बहुत ही टाइम वेस्ट कर लिया हमने इस मॉड के अंदर, पर अब हम चलते हैं नेक्स्ट मॉड की तरफ। जो नेक्स्ट मॉड हमारी लिस्ट के अंदर आता है, सॉरी अगर रॉ वीडियो लग रही होगी आपको, पर मैं इसके सिनेमैटिक भी डालूंगा लास्ट में, वो वीडियो क्लियर को रहना भी। हाँ तो अगर जो नेक्स्ट मॉड आता है वो है डेकोक्राफ्ट मॉड। अब डेकोक्राफ्ट मॉड से आपको पता चल रहा होगा एक डेकोरेशन मॉड है ये वाला, और डेकोक्राफ्ट मॉड इंस्टॉल करने के बाद आपके पास बहुत ही सारे टैब आ जाएंगे यहाँ पर। जैसे ये तो मिक्स वगैरह इसको छोड़ो, जैसे प्रॉप्स का टैब आ गया मेरे पास, और ये भी आइटम वगैरह एग्रीकल्चर का टैब है, और ये फूड का टैब है, ये हॉलीडे का टैब है, ये किचन का टैब है, मतलब बहुत सारे टैब है यहाँ पर। आप इन सारे टैब को यूज़ करके कुछ ना कुछ डेकोरेट कर पाओगे। बस इसी मॉड का मुझे एक डिसएडवांटेज लगा, वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपने यहाँ प्लेस करना था, आपको पहले बता देगा कि यहाँ प्लेस हो सकता है या नहीं हो सकता ये, क्योंकि आसपास का एरिया भी घेरता है ये वाला मॉड अपने आसपास का। और जो क्रेफिश का फर्नीचर मॉड था वो नॉर्मल ब्लॉक की तरह ही प्लेस होता है, तो ये डिसएडवांटेज है इस मॉड का। पर जो इसकी डेकोक्राफ्ट की जो
चीज़ें हैं ना वो बहुत कमाल की हैं। जैसे देख सकते हो फायर भी है यहाँ पर, फायर प्लेस भी है अपनी, मतलब पूरा डेकोरेशन कर सकते हो। डेकोरेशन एंड में बताऊंगा, अभी मॉड की तरफ चलते हैं। जो हमारा तो जो हमारी लिस्ट में नेक्स्ट मॉड आता है, उस मॉड का नाम है बायम्स ओ प्लंटी मॉड। अब ये वाला मॉड डेकोरेशन मॉड तो नहीं कहूँगा मैं पर्टिकुलरली, क्योंकि इसमें देखो आप बायम ओ प्लंटी का ये टैब ये मेरे वहाँ पर आ गया मॉड इंस्टॉल करते ही, और यहाँ बहुत सारी आपको आइटम मिल जाएंगी। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, तो जैसे हम आ चुके हैं अपने अपने टाइटल स्क्रीन में, और मैं बता रहा था आपको बायोम्स ऑफ प्लेंटी मॉड के बारे में। तो इस मॉड में आप क्या कर सकते हो कि जैसे आप अपनी सिंगल प्लेयर वर्ल्ड में जाओगे, क्रिएट न्यू वर्ल्ड करूँगे, आप इसका नाम कुछ भी देख सकते हो। जैसे मैं यूट्यूब लिख देता हूँ, चलो वाईटी लिख देता हूँ, मैं वाईटी नाम लिख दिया वर्ल्ड का मैंने, अब इसको कर दिया मैंने क्रिएटिव। अब आप अगर मोर ऑप्शंस में जाते हो तो आपको क्या क्या टाइप देखने को मिलता है, एक फ्लैट मतलब वर्ल्ड का टाइप मिलता है, कस्टम मिलता है शायद, ऐसे आपको सुपर फ्लैट मिलता है देखो एक। तो इस मॉड को डालने के बाद आपको मिलेगा एक लार्ज बायोम का टैब, नहीं ये बायोम से प्लंटी का टैब आपको मिल जाएगा यहाँ पर। अब मैं क्रिएट न्यू वर्ल्ड करता हूँ तो आप देखना क्या होता है। अब तो बायोम से प्लंटी के वर्ल्ड के अंदर हम आ चुके हैं, और आप देख पाओगे मतलब जो ये आपका वर्ल्ड बनेगा ने वाला, पहले तो ये नॉर्मल लगेगा आपको, पर देखो मड मड होता है क्या किसी वर्ल्ड माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में, नहीं होता ना, इसमें देखो मड है यहाँ पर। और आपको यही वाला मतलब वर्ल्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप मतलब आपको ये सब मिलेंगी चीज़ें। अगर आपने मोर ऑप्शन में जाके वाला टैब सेलेक्ट नहीं करा तो आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी, नॉर्मल वर्ल्ड में आप स्पॉन हो जाओगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया पहली बात ये। और जैसे आप देख सकते हो अभी तो ये नॉर्मल बायोम में जो हमारे माइनक्राफ्ट मिलता है, बायोम को मतलब जो जैसे कभी डेजर्टी बायोम में आप समझ जाओ यार, डेजर्ट की जगह, या कभी ओक बायोम मिलता है जहाँ पर रोक की जगह होती है, वो ऐसी ऐसी चीज़ें इनको बोलते हैं बायोम माइनक्राफ्ट के अंदर। तो फाइनली हमारा बिल्ड हो चुका है कंप्लीट। अब ये बिल्ड जज मत करना कि कैसे बनाया मुझे, क्योंकि बनाने नहीं आता यार चीज़ें, पर मैंने मॉड के शोकेस के लिए बनाए हैं ये दो बिल्ड बनाए मैंने, एक तो मतलब पुराने टाइप का घर बनाए हैं और एक मॉडर्न हाउस बनाया है। तो हम चलते हैं जिसके आपने अभी सिनेमैटिक देखे, जो पुराना वाला है, जो मॉडर्न हाउस था उसका मैंने सिनेमैटिक नहीं ले पाई क्योंकि मैंने पहले बना के रखा था वाला घर,
पर फिलहाल इसी घर को देख लेते हैं कि कैसा बना है। तो ये है हमारे घर का सीढ़ी और ये है लेटर बॉक्स एक। अब ये सब जो आइटम देख रहे हो आप सारे उन्हीं मॉड से यूज़ हुए गए हैं आइटम। बस बायोम प्लंटी का मैंने इस मॉड में कभी कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर करा है, बस एक गेट लगाया था उस मॉड से। बाकी सब जो मैंने आपको बताया, एक फर्नीचर मॉड था क्रेफिश का और एक था डेकोक्राफ्ट मॉड, तो वही दोनों मॉड से ये हो पाया है, ये वाला घर बन पाया है। तो हम ऊपर जाते हैं अपने घर की तरफ। यहाँ पर लगी है एक बेल और बस्ती भी वाली बेल। हाँ, और जितना भी आप सामान देख रहे हो आधा तो क्रेफिश के मतलब जो था फर्नीचर मॉड से है और आधा है अपने डेकोक्राफ्ट मॉड से। तो आप आते ही देखोगे यहाँ पर एक पुरानी सी घड़ी। ये पुराने टाइप का घर है तो मैंने पुरानी घड़ी लगा रखी है। गेट बंद कर लेते हैं पहले। और यहाँ मैंने लगा रखी है कैंडल, अब वो मैंने पता नहीं क्यों लगा, डेकोरेशन के लिए लगा रखी है। और यहाँ मैंने लगा रखे हैं 3 बल्ब ऊपर, मतलब ये देखो आप ये खुल बंद होते हैं। मैंने यहाँ स्विच को नहीं लगा रखा, मैंने सिर्फ ऐसी बल्ब अभी उजाले के लिए लगा रखे हैं। और यहाँ पर मैंने लगाई एक सेम टू सेम ऐसी कैंडल जैसी वहाँ लगी थी। और यहाँ पर मैंने लगाई हैं 2 खिड़कियाँ। अब वो खिड़की मतलब घर तो अपनी मर्जी से बनाऊंगे, पर मैं फर्नीचर दिखा रहा हूँ अभी बेसिकली। यहाँ फर्नीचर आपको जो आप डेकोक्राफ्ट मॉड है, आपको ये नाइफ रखने का और ये सब रखने का भी मिलेगा, करची कुर्ची रखने का। और ये पर देखो आप, यहाँ सिंक भी है मेरा, यहाँ पर है कुछ काटने की चीज़ें, और यहाँ पर है अपना स्टोव, और यहाँ पर नीचे कैबिनेट है, खुलता भी है वाला कैबिनेट। और यहाँ पर रखा है हमारा प्लेट वगैरह, देख सकते हैं आप, एक गिलास और प्लेट रखी है। और यहाँ पर एक पुराना काउच है जिसमें हम बैठ भी सकते हैं और टीवी देख सकते हैं पुराने ज़माने का, क्योंकि ये घर अभी पुराने, तो मैंने मॉडर्न चीज़ें इसमें बिल्कुल यूज़ नहीं करी हैं। यहाँ पर लगाई है मैंने एक बालकनी, अभी थोड़ी मुझे लगाने की ज़रूरत पड़ी तो मैंने लगा दी। पहले मैंने बालकनी यहाँ लगाई थी और यहाँ गेट, मतलब यहाँ पर मुझे लगा टीवी लगाना जरूरी है तो मैंने बालकनी हटा दी यहाँ से। अब ये जो देख रहे हो ना, अब ये बहुत ही वेयर्ड लग रहा है, पर यहाँ नीचे कुछ है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको क्या है वहाँ नीचे। पर फिलहाल हमारा ये है हमारा स्टडी टेबल, यहाँ पर कुछ नोट्स रखे हैं, यहाँ अपना बैग रखा है एक, और यहाँ पर रखा है कॉपी रखी है, किताब रखी है यहाँ पर एक, और यहाँ पर है कैंडल, और ऊपर कैलेंडर रखा है। अब यहाँ से नीचे जाएंगे तो नीचे हमारा बेडरूम। अब ये थोड़ा वियर्ड है क्योंकि मुझे जगह नहीं मिल रही थी बेडरूम बनाने की, पहले मैं सोचा बाहर से रास्ता बना लूँ, पर मैं सोचा घर के अंदर से बनाते रास्ता वाला। अब ये जज मत करना, घर को आप फर्नीचर देखो बस। यहाँ पर अभी एक लाइट बल्ब लगाया है मैंने, यहाँ पर सिलाई मशीन भी है हमारे पास, यहाँ टेबल लगाया है मैंने ऐसे एल शेप में, और यहाँ पर हमारे कुछ फोटोज़ है, यहाँ पर मैंने लाइट बल्ब लगाए हैं, और यहाँ बेड भी है, इसमें बेड में हम सो भी सकते हैं, देख सकते हो आप, यू कैन स्लीप एट नाइट ये लिखा है, मतलब हम सो सकते हैं इस बेड के अंदर। यहाँ मैंने लगाया है एक टेबल, ये सॉरी टेबल यहाँ होना था वाला, क्योंकि मैंने डबल बेड लगाया था, मैंने टेबल वहाँ लगाया था, पर मैंने फिलहाल यहाँ लगा दिया अपने टेबल। यहाँ रखी हमारे अलार्म क्लॉक बोलो मैं भी बताओ। और यहाँ पर एक सिंगल बेड लगाया, पहले मैंने डबल बेड लगाया था पर वो जगह ज़्यादा घेर रहा था डेकोक्राफ्ट मॉड से, तो मैंने सिंगल बेड लगाया यहाँ पर। और यहाँ पर एक लगा है क्लॉजेट, अब ये क्लॉजेट खुलता भी है अलमारी, जिसको कहते हैं हम, खुल बंद भी होती है अलमारी। हम मैंने लगाई है 2 विंडो, क्योंकि मैंने पहले यहाँ टॉयलेट बनाने की सोच रहा था, पर बना नहीं टॉयलेट, तो वैसे भी मैंने यहाँ पर एक फ्लोर भी लगाया। और जो आप आवाज़ सुन रहे हो मेरी अभी, जैसे फर्नीचर की आवाज़ आ रही है, जो अभी मेरे जो मैं चल फिर रहा हूँ घास में चला अभी वहाँ चला, तो वो आवाज़ आ रही है एक और मॉड से। अगर वो सारे मॉड आपको जानने के कौन कौन से मॉड मैं यूज़ करता हूँ तो मुझे बताना कमेंट में, उसकी वीडियो बना दूंगा मैं सेपरेटली। अभी वाला मॉड तो हमारा मतलब ये वाला घर सॉरी हो गया हमारा, जो मैंने घर अभी बनाया है आपके सामने। अब ये वाला घर दिखाता हूँ मैं, मॉडर्न घर अपना, पुराने घर में था वो चीज़ लगा सकते हो, मॉडर्न घर देखते हैं आप। और यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पोल भी आए हैं इस डेकोक्राफ्ट मॉड में, पर यहाँ पर वायर्स नहीं आए हैं, तो मैंने यहाँ पर ऐसे लगा दिया कि बन रहा है देखो अभी ये, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। और ये ग्लास लगाया जा रहा है, ये मॉडर्न घर है एक टाइप का। अब ये घर मुझे उस वाले घर से ज़्यादा पसंद है, इसमें भी यहाँ पर बेल लगी है देखो, और यहाँ पर एक वो रखा है पोस्ट डालने का मेल बॉक्स। और यहाँ जाएंगे हम अंदर, ये रहा हमारा गेट, और यहाँ पर है काउच। अब यहाँ लाइटिंग की कमी होने की वजह से आपको ये काला काला दिख रहा होगा, पर ये काला नहीं है, मैं बाहर आपको जाके दिखाता हूँ। जैसे देख सकते हो ये काला नहीं है, वो लाइटिंग के चक्कर में काला हो रहा है, जैसे यहाँ पर लाइट आ रही है तो ये सफ़ेद हो रहा है, यहाँ पर यहाँ लाइट नहीं आ रही तो यहाँ काला हो रहा है, देख सकते हो आप। जैसे मर्जी आपकी कैसे लाइटिंग लगाऊंगी, अब लाइटिंग लगानी मुझे अच्छे से नहीं आती, तो मैंने ऐसे ही लाइटिंग लगाई है इसमें फिलहाल। अब यहाँ पर मैंने डेकोरेशन के लिए कुछ बुक्स लगाई है यहाँ पर, यहाँ हमारा किचन बनाया है मैंने, और यहाँ पर ये सारे जार झूर, इसमें अंदर आप कुकी भर सकते हो, ये ब्रेड टोस्टर है, ये माइक्रोवेव है, इसको स्टार्ट भी कर सकते हो आप, हाँ। और ये हमारा ओवन है ऊपर, यहाँ पर चिमनी टाइप की लगा रखी है यहाँ पर मैंने, और यहाँ पर है हमारा सिंक, और ये है हमारा फ्रिज, दोनों के फ्रिज अलग अलग खुलते हैं, जैसे नीचे जिसका फ्रीजर है ऊपर फ्रिज है। और यहाँ पीछे जाऊँगे यहाँ मिलेगा आपको बैकयार्ड, एक बैकयार्ड मैंने लगाया है यहाँ पर, एक ट्रेडमिल, और ये घास भी अलग वाली घास है, जैसे है जय देख सकते हो आप यहाँ पर, इससे हम पास थ्रू नहीं कर पाएंगे साइड से, देख सकते हो आप। तो वो 3 मैंने इसलिए लगाई थी ताकि पूरी हिडन रहे ये, इसलिए मैंने 3 लगा रही है, पर आप एक लगाऊंगे तो कोई पास तो नहीं कर पाएगा आपके घर के अंदर, मतलब कोई जॉम्बी वगैरह। यहाँ पर मैंने लगाया है एक बारबेक्यू, यहाँ पर है एक ट्रैम्पोलिन, ये उछलता भी है, हाँ। यहाँ पर मैंने लगाया है एक टैब, इसके नीचे आपको पानी के सोर्स डालनी पड़ेगी यहाँ पर मैंने अभी फिलहाल नहीं डाली है क्योंकि यहाँ सैंड थी, इसलिए यहाँ पर मैंने लगाया है मतलब चिड़िया को पानी देने के लिए, ये वो जो भी बोलते हैं उसे, जो भी बोलते हैं छोड़ो, ये हो गया हमारा। और यहाँ पर मैंने एक रखा है एक फिशिंग
मतलब फिश पॉट। अब ये ऐसा क्यों दिख रहा है मुझे नहीं पता, पर ये नॉर्मल ही दिखता है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, देख सकते हो शायद शेडर के चक्कर में नॉर्मल दिख रहा है। मैं शेडर एक बार बंद करके दिखाता हूँ वो कैसे दिखता है वाला। मतलब फिलहाल तो अभी घर का टूर ही लेंगे, पर शेडर बंद करके बाद में दिखाऊंगा मैं। यहाँ पर आता है हमारा टॉयलेट, और इस ये हमारा सिंक है, ये हमारे साबुन की टिकिया है, ये हमारा बाथटब है नीचे साइड, ये है हमारा शौचालय जिसमें हम बैठते हैं सुबह सुबह, और हम ये करते हैं। हाँ आप भी करते होंगे ना ये सब। हाँ मैं भी करता हूँ, जस्ट अ जोक, सीरियसली मत लेना, वैसे करते सब हैं यार। ये हमारा डस्टबिन है ना, और ये तो हमारा हो गया नीचे का एरिया। अब हम जाएंगे ऊपर, ये हमारा बेडरूम है। अब ये दरवाजे मैंने लगा रखे हैं यहाँ से स्लाइडिंग वाले, आपको दिखाने के लिए बस। ये दरवाजे पता नहीं दीवार में क्यों घुसने, पर मैंने दिखाने के लिए लगाए हैं। और ये हमारा मेन रूम है भाई साहब, ये हमारा, ये देखो ये है हमारा बेड। पहली बात तो यहाँ पर बेड साइड कैबिनेट है एक, और यहाँ पर है एक लैम्प, ये खुल बंद भी होता है, हाथ से करना पड़ेगा इसे। पर यहाँ लाइटें लगी हैं, लाइटें छोड़ो, यहाँ से हमारी खिड़की है बाहर व्यू देखने के लिए, यहाँ से दो खिड़की और हैं। यहाँ पर हमारी फायरप्लेस है, और यहाँ हम बैठ सकते हैं काउच में इस वाले। यहाँ पर आती है हमारी मेन चीज़, अगर आप यूट्यूबर हो एक मेरी तरह तो आपको ये सब सेटअप चाहिए होगा। यहाँ पर हमारा कैमरा, इस कैमरे का एंगल दिखाता हूँ मैं, देखो ऐसा एंगल आता है इस कैमरे से। हे व्हाट्सअप गाइस, ऐसा कैमरा है यहाँ पर। और ये है हमारी गेमिंग चेयर, यहाँ पर हमारे तीन मॉनिटर है, यहाँ यहाँ क्या डिस्कॉर्ड चल रहा है यहाँ पर लगता है मुझे, यहाँ डेस्कटॉप खुला है, यहाँ खुला है हमारा माइनक्राफ्ट। तो ये हमारा पूरा है, ये हमारा राउटर है, ये हमारा लैपी है लैपटॉप, और ये है हमारा प्रिंटर। इस लैपटॉप को आप एक्सेस भी कर सकते हो, जैसे देख सकते हो आप यहाँ पर मैंने ऐप भी डाल रखी है, एक रीसेट वॉलपेपर स्कीम, वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं इसका। अच्छा ये सही लग रहा है, पर स्क्रीन में दिखेगा आपको कुछ, अंदर जाके दिखेगा आपको, ठीक है। ये रहा हमारा वॉलपेपर, बस यही था। और देखो बारिश हो रही है, और एक और मॉड में बता दूँ आपको, कोहरा अंदर कहाँ आ रहा भाई, ये मेरे को हटा नहीं लगता, वेदर चेंज करना पड़ेगा, कोहरा पूरा अंदर आ रहा है। क्लियर हो चुका है हमारा वेदर। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको अपने ग्राफिक्स ऐसे करने हैं माइनक्राफ्ट के, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है उस, मतलब वो सबसे पहली वीडियो मेरे चैनल की शायद वही थी, नहीं हाँ सबसे पहली वीडियो वही थी, मैंने उसमें बहुत हल्की हल्की बोला क्योंकि मैं तब नया नया था, पर अब मुझे आदत हो चुकी है वीडियो बनाने की। तो अगर आपको वीडियो चाहिए कोई कि अपने कैसे माइनक्राफ्ट के ग्राफिक्स हम इम्प्रूव कर सकते हैं जैसे आपको अभी स्क्रीन में दिख रहे हैं, तो मुझे बता देना आप अपने कमेंट सेक्शन के अंदर इस वाली वीडियो के। किसी को चाहिए होगा तो, नहीं चाहिए तो नहीं बनाएंगे, चाहिए होगा तो बना देंगे। मैं बोलता हूँ आपको अगली वीडियो में, अगर आपको कहीं मॉड अच्छे लगे तो आप डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से, और अगर आपको जानना है कि डाउनलोड कैसे करें मॉड तो बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, वरना यूट्यूब में सर्च कर लेना, बहुत सारी वीडियोस आती है कि कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं मॉड। मैं चलता हूँ, मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। कुछ आइडिया है अगली वीडियो के लिए कौन सा गेम खेलूँ या माइनक्राफ्ट के अंदर क्या करूँ, तो बताना कमेंट के अंदर। बाय बाय।